वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ विंटर की स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो कि बहुत ही स्पेशल रेसिपी है इसके लिए 5 के जी मैंने कैरेट ली थी जिसको क्रश कर लिया है और एक दचके में सबसे पहले हमने डाल ली है ये गाजर इसके साथ ही हाफ लीटर डाल देंगे इसके साथ पानी और पानी डालने के बाद इसको कवर करके रख देंगे जब तक ये पानी ड्राई हो जाए और जो कि आगे आगे साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो अभी तक तो हमने जो आपको बताया है इसके बाद आपको अगेन बताएंगे और यहाँ हम कर लेते हैं इसे कवर और मिलते हैं पाँच से दस मिनट के बाद फिर से अब हम चेक कर लेते हैं कि पानी किस हद तक खुश्क हो चुका है जैसा कि अगर आपका नहीं हुआ तो इस पॉइंट पे आप फिर से कवर करके रख सकते हैं या हीट तेज़ करके भी आप पानी ड्राई कर सकते हैं जैसा कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो इस पॉइंट पे जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो आपको मैं बताती हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ साथ मैं बताऊँगी और कुछ आपको टिप्स भी दूँगी इस पॉइंट पे हम ऐड कर रहे हैं थ्री कप शुगर जो कि इनफ है आप कम नहीं कर सकते और अगर मीठा और तेज लेना है तो कोई मसला नहीं है आप अगेन ऐड कर सकते हैं जब हम शुगर ऐड करते हैं तो काफ़ी हद तक पानी फिर से आ जाता है तो इस पॉइंट पे आप इसकी हीट बढ़ा सकते हैं और पानी ड्राई कर सकते हैं इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर डेढ़ कप ऑयल जबकि आपने शुगर और ऑयल को अच्छे तरीके से गाजर के साथ मिक्स कर लेना है अब अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं हीट आपने अभी तेज़ कर देनी है क्योंकि गाजर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और उसके अंदर जब पानी हमने ड्राई किया था तो ये आप बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी हैं अब कोई मसला नहीं है आपको पानी ट्राई करने का तो इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ डेढ़ कप ऑयल ऑयल डेढ़ कप इसके अंदर बहुत है इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी अभी इसके अंदर मिल्क जो कि वन लीटर जाएगा फ्रेश मिल्क का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है इसलिए आप डब्बे का यूज़ ना करें मैं जो ग्लास यूज़ कर रही हूँ ये हाफ के जी का है और दो ऐड करूँगी तो ये एक लीटर हो जाएगा अगर आप गाजर का हलवा कम बनाते हैं तो आप इस रेसिपी को हाफ भी कर सकते हैं अब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं मिक्स कर लिया है और इस पॉइंट पे जो है ड्राई फ्रूट्स वो आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करने अगर ड्राई फ्रूट्स हम पहले ऐड कर देते हैं तो उसका टेस्ट मज़े का नहीं रहता और वो क्रिस्पी भी नहीं रहते तो इस पॉइंट पे आप वो नहीं ऐड करेंगे वो आगे मैं बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आपने ऐड करने हैं जब हमने दूध ऐड किया है तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है और आपको ये खोए वाले टेस्ट से भी ज़्यादा मज़े का लगेगा अच्छे तरीके से मिक्स करने हैं और पाँच मिनट तक हम इसको कवर करेंगे उसके बाद आपने इसको चेक करना है अगर ये साथ लग गया तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाना है और आपने इसके बाद इसको फ़ौरन चेक करके लगातार मिक्स करना है चेक कर लेते हैं कवर करके रखा था और 20 परसेंट इसमें जो है वो पानी रह गया है और इस पॉइंट पे आपने इसको बिल्कुल भी अब कवर नहीं करना अगर कवर कर दिया तो ये साथ लग जाएगा और अगर साथ लग गया तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाना है और आपने लगातार चम्मच हिलाना है और इस पानी को ड्राई करना है और ड्राई तब तक करना है जब तक इसका ऑयल नज़र ना आ जाए तो अभी हम इसको कर लेते हैं इसी तरीके से पाँच से दस मिनट के लिए लगातार मिक्स और इसी पॉइंट पे मैं बताऊंगी कि आपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना है और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें आप और अगर आप चाहें तो इसके अंदर खोया भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसके अंदर अंडे भी आपको बता देते हैं कि ये परफेक्ट रेसिपी है इस पॉइंट पे जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी भी ड्राई हो चुका है और अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई भी कर ली है और ऑयल आपको नज़र आ रहा है और शाइन भी नज़र आ रही है गाजर के हलवे के अंदर और इस पॉइंट पे आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स हमेशा जब आपने बंद करना हो तो एक मिनट पहले डाल लें और उसको उसके साथ अच्छे तरीके से भून लें और माशाल्लाह से आपको अभी मैं साथ साथ बताती हूँ अब आपको मैं दिखा देती हूँ जैसा कि आपको चम्मच के साथ शाइन नज़र आ रही है और इस पॉइंट पे मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो कि मैं डाल रही हूँ किशमिश अखरोट और बादाम जो कि गाजर के हलवे में बहुत ही मज़े के लगते हैं तो आपके पास ये अवेलेबल हो तो आप डाल दें नहीं तो जो भी अवेलेबल हो वो डाल दें कोई मसला नहीं है और इस पॉइंट पर ये डाल के एक मिनट तक हम इसके साथ बनाई करेंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल देखिएगा आपके मैसेजेस स्पैम में चले जाते हैं और लाइक like भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें और जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसके साथ ही दिए बेल लाइकन को भी प्रेस कर लें उससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और दुआओं में याद रखिएगा और आप जो सीखना चाहते हैं कॉमेंट्स करके बताएँ अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट इस पॉइंट पे हम करते हैं गर्मा गर्म डिश आउट और आप कीजिएगा इस रेसिपी को एंजॉय और ट्राई मुझे दीजिएगा इजाज़त मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ खुदाफिज